इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो gabagab.com पर केम गर्ल वाली लाइव स्ट्रीम किया करती थी, जिसके बारे में उसके बॉयफ्रेंड को कोई भी आइडिया नहीं था। पर क्या होता है जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है क्रश कॉन्ग करली। फिल्म की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर एली को लाइव स्ट्रीम पर अपने जलवे दिखाते हुए देखते हैं। एली 18 प्लस वाले लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म gabagab.com की सबसे पॉपुलर कैम गर्ल थी और उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। हर रोज सिर्फ 2 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करके एली इतना कमा लिया करती थी जितना एक आम आदमी साल भर अपनी एरिया रगड़ने के बाद भी नहीं कमा पाता है। एली अपने दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड लोला के साथ एक भाड़े के घर में रहती थी। पीटर हमेशा लोला से यही डिस्कस करने में लगा रहता था कि आखिरकार कैमरे के सामने एली रात भर अपनी कमर मटका के कितना कमा लेती होगी। एली पीटर से कहती है कि मुझे इस काम को करने में बहुत मजा आता है, मैं इधर खुद को सहलाती रहती हूँ और उधर मुझे देखकर कुछ लोगों को अपनी हाथगाड़ी चलाने का मोटिवेशन मिल जाता है। अगर काम के साथ इसमें अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हो तो आखिरकार इसमें बुरा ही क्या है। फिर जब एली अपने एक दिन की इनकम बताती है तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। एली लोला और पीटर से कहती है कि मुझे अपने अगली वीडियो के लिए कुछ लोगों की जरूरत भी है, सो अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, बदले में तुम दोनों को पूरी अर्निंग का 50% मिल जाएगा। लोला और पीटर बिना देरी करे एली की बात मान लेते हैं और फिर तीनों मिलकर अपनी अगली लाइव स्ट्रीमिंग में लग जाते हैं। और जैसा कि एली ने कहा था, शाम होते होते उन दोनों को उनकी पेमेंट भी मिल जाती है। अब आगे के प्रोग्राम के लिए एली डिसाइड करती है कि वो एक फ्री फॉर ऑल लाइव स्ट्रीम करेगी जिसमें उसे कुछ अर्निंग नहीं होने वाली है। ये सुनकर लोला कहती है कि अगर हमने फ्री में ही सब कुछ दिखा दिया तो हमें क्या मिलेगा, तंबूड़ा। तब एली लोला को बिजनेस का गोल्डन रूल समझाते हुए कहती है, देखो मैं पहले पब्लिक लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी बट सिर्फ 50%। अब क्योंकि ये फ्री होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी स्ट्रीम को देखेंगे और बाद में पार्ट 2 मैं अपनी प्राइवेट स्ट्रीम पर दिखाऊंगी, जिसे देखने के लिए उन्हें मेरी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इससे मुझे नए मेंबर्स भी मिल जाएंगे और अपनी इनकम भी दुगनी हो जाएगी। एली के इस एक्सप्लेनेशन से पीटर और लोला दोनों को सब कुछ समझ आ जाता है। एक दिन जब एली लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है तभी अचानक उसके पीछे वाली दीवार टूट जाती है और वो अपने पड़ोसी के रूम में जा गिरती है। उस घर में उसकी मुलाकात मैथ्यू से होती है जो उसी दिन उस घर को किराए पर लेने आया था। एली मैथ्यू को देखते ही बेहोश हो जाती है। दीवार टूटने की खबर सुनते ही लैंडलेडी दौड़ते हुए वहां आती है और पीटर लोला और एली को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। दरअसल लैंडलेडी और पीटर के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी और आए दिन उन दोनों के बीच में कहासुनी होते ही रहती थी। लैंडलेडी मैथ्यू की मुलाकात एली और बाकी सभी से कराती है। मैथ्यू का अपना एक फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस था जिसमें वो आर्किटेक्ट का जॉब किया करता था। एली को पहले ही नजर में मैथ्यू से प्यार हो जाता है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि एली तुम्हें पता है ना पिछली बार तुम्हारा क्या हाल हुआ था, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं होते तो पता नहीं आज तुम जिंदा भी होते या नहीं। एली पीटर से कहती है कि हर लड़का मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के जैसा हो ये जरूरी नहीं है, मुझे तो मैथ्यू को देखते ही कुछ कुछ होने लगा था। लोला कहते कि अगर मैथ्यू को तुम्हारी जॉब के बारे में पता चल गया तो जरूर हंगामा होगा। इस पर एली लोला को यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो मैथ्यू को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जॉब के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली है। एक दिन एली और मैथ्यू टूटे हुए दीवार को ठीक करने के लिए सुपरमार्केट से कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदने जाते हैं। वहाँ कुछ लोग एली को हाय हेलो कहते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर मैथ्यू को बड़ा अजीब लगता है। वो एली से पूछता है कि क्या वो दोनों लड़के तुम्हें जानते हैं, तो एली कहते हैं कि हाँ वो मेरे फैंस हैं, मैं कोई सेलिब्रिटी से कम थोड़ी दिखती हूँ। मैथ्यू को एली का बर्ताव काफी मजाकिया लग रहा था इसलिए वो उस वक्त उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एली ने काफी शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी जिस वजह से वहां मौजूद सभी मर्दों की नजर एली के टांगों पर ही अटकी हुई थी। मैथ्यू भी यही नोटिस कर रहा था और वो एली को चेयर पर बिठाते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी फ्रॉक पहनकर बाहर नहीं निकलना चाहिए, देखो सब तुम्हें कैसे गीत की तरह देख रहे हैं। एली कहते है कि तुम उन पर ध्यान मत दो, देखने दो उन्हें, मुझे इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शॉपकीपर भी एली का सब्सक्राइबर था जो हर दिन एली को स्ट्रीम करते हुए देखकर अपनी हाथगाड़ी चलाया करता था। एली को सामने देखकर उस शॉपकीपर की सांसें फूलने लगती है। इधर मैथ्यू के समझ में कुछ कुछ बातें आने लगी थी। वो एली से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि असल में तुम करते क्या हो। एली कहते है कि अभी नहीं, घर चलो फिर बताऊंगी। घर पहुंचकर एली अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जॉब के बारे में मैथ्यू को सब बता देती है। एली की असलियत जानने के बाद मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है पर अंदर ही अंदर वो एली की मजबूरी को समझ चुका था। मैथ्यू एली से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें तुम जो काम करती हो वो अच्छा लगता है। एली कहते कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करके किसी इंसान को सुकून मिलता हो, मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ पर ये मजबूरी में करना पड़ता है। एली को लग रहा था कि मैथ्यू उसे उसके काम की वजह से जज कर रहा है इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैथ्यू एली से कहता है कि मैं भला क्यों तुम्हें जज करने लगा, बस मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात शेयर करी। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और एली मैथ्यू से मिलना बंद कर देती है।
दूसरी तरफ मैथ्यू जब अपने दोस्त डोंग को एली के बारे में बताता है तब डोंग मैथ्यू के ऊपर हंसने लगता है। डोंग मैथ्यू से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एली के कारनामों के बारे में नहीं जानते थे। इस शहर का बच्चा बच्चा एली का सब्सक्राइबर है और तुम उसके पड़ोसी होकर भी कुछ नहीं जान पाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एली के साथ अब तक 4-5 बार घपाघप कर चुका होता। मैथ्यू को अब खुद बुरा लगने लगा था। वो भी अपना लैपटॉप खोलता है और एली की स्ट्रीम देखने के लिए 1 साल का मेंबरशिप खरीद लेता है। कुछ देर तक एली के स्ट्रीम्स को एंजॉय करने के बाद मैथ्यू खुद भी उसकी तरह लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करता है, पर उसे समझ आ जाता है कि ये जूता उसके पैरों की नाप का नहीं है। अगले दिन मैथ्यू वापस एली के पास जाता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे लगता था कि कैमरे के सामने लाइव स्ट्रीम करना बहुत आसान है, लेकिन जब मैंने खुद एक बार करने की कोशिश की तो मेरी हालत खराब हो गई। अब क्योंकि एली भी मैथ्यू को चाहने लगी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक मैथ्यू पर गुस्सा नहीं कर पाती है और दोनों वापस से अपने टूटे हुए दीवार को ठीक करने में लग जाते हैं। उस दौरान मैथ्यू एली से पूछता है कि आखिरकार इस सब की शुरुआत हुई कैसे। तब फिल्म की कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जब एली हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। उसकी एवरेज लुक्स की वजह से स्कूल का हर एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाया करता था। इसी वजह से कभी कभी एली अकेले स्कूल के स्टोर रूम में बैठी रहती थी। एक दिन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का ब्रायन एली के पास आता है। दोनों में कुछ देर तक बातें करने के बाद गहरी दोस्ती हो जाती है और जल्द ही ये दोस्ती प्यार का रूप भी ले लेती है। लेकिन असल में ब्रायन का मकसद कुछ और था। एक दिन इंटीमेट होने के दौरान ब्रायन एली का वीडियो बनाने लगता है। एली जैसे तैसे खुद को संभालते हुए स्टोर रूम से बाहर निकलती है, लेकिन तब तक स्कूल में किसी ने यह खबर फैला दी थी कि एली स्कूल में लड़कों के साथ पैसों के बदले इंटीमेट होती है। इस खबर की वजह से अब हर कोई एली को गंदी नजरों से देखने लगा था। एली शहर छोड़कर ताइवान में शिफ्ट हो जाती है। साथ ही साथ उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली थी, जिस वजह से कोई उसे पहचान न सके और जिस वजह से उसे सबने बदनाम किया, उसी काम को अपना हथियार बनाकर एली अब लाखों में अर्न कर रही थी। मैथ्यू को यह सब जानकर एली के लिए बहुत बुरा फील होता है, लेकिन नीचे उसका छोटा चेतन तो कुछ और ही फील कर रहा था। मैथ्यू खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और एली के साथ चुम्माचारी करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एली उसे रोकते हुए कहती है कि अभी नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब तक तुम मुझे सिर्फ देखकर अपनी हाथगाड़ी चलाओ। फिर एली स्पेशली मैथ्यू के लिए एक स्पेशल लाइव गेम गार्ड वाली मूव्स करना शुरू करती है, जिसे देखकर कोने में बैठा मैथ्यू अपनी हाथगाड़ी चलाना शुरू कर देता है। एक दिन मैथ्यू एली को लेकर चर्च जाता है, तब वहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त सैंग से होती है। सैंग एली को देखते ही पहचान लेता है और मैथ्यू के सामने ही अश्लील बातें करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर एली का सर फटा जा रहा था, पर इससे पहले कि वो सैंग को मुंह तोड़ जवाब दे पाती, मैथ्यू एली का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। एली मैथ्यू पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैथ्यू एली को समझाते हुए कहता है कि सैंग को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके भेजे में भूसा भरा हुआ है और उसे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इतना कहते ही मैथ्यू एली के सामने अपने प्यार का इजहार कर डालता है। अब अगले सीन में हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, तभी लोला और पीटर एली के कमरे का दरवाजा पीटने लगते हैं। पता चलता है कि मैथ्यू ने चुपके से एली का लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों की घपाघप वाली वीडियो पूरे इंटरनेट में वायरल हो गई थी। ये सब देखकर एली का दिल किसी शीशे की ग्लास की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वो मैथ्यू से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछती है। मैथ्यू कहता है कि ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया है, जिसका पति सिर्फ तुम्हारे वीडियो देखकर हाथगाड़ी चलाने में लगा रहता था। ना तो उसे अपनी वाइफ की कोई परवाह थी और ना ही अपने बच्चों की। उसने अपना सारा पैसा तुम्हारी स्ट्रीम की मेंबरशिप लेने में उड़ा दी थी। एली कहती कि तुम्हारी बहन के पति से मेरा क्या लेना देना है, तुमने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की, क्या तुमने जो प्यार भरी बातें मुझसे कही थी वो सब एक झूठ था। इस कांड के बाद अपना मन बहलाने के लिए एली कुछ दिनों के लिए अपने ग्रैंडमा के घर चली जाती है। इधर मैथ्यू को भी बहुत बुरा लग रहा था, कहीं ना कहीं उसे भी यह बात अच्छी तरह से पता थी कि उसने जो किया वो किस हद तक गलत था। दरअसल मैथ्यू एली को ही अपनी बहन की हालत के लिए जिम्मेदार समझ रहा था। उसकी बहन का पति एक बेबी डॉल पर एली की तस्वीर लगाकर उसके साथ घपाघप किया करता था, जिस वजह से मैथ्यू की बहन बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब पैसों की कमी के कारण मैथ्यू के जीजा जी घर छोड़कर चले जाते हैं। इस कांड के बाद मैथ्यू की बहन ने एली को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। एली के घर का पता भी मैथ्यू को उसकी बहन ने ही दिया था, ताकि उसके करीब रहकर मैथ्यू अपने मकसद में कामयाब हो पाए। लेकिन एली के साथ रहने के बाद मैथ्यू समझ चुका था कि उसकी बहन की लाइफ में जो भी हुआ उसमें एली का कोई हाथ नहीं था। दरअसल मैथ्यू भी एली के लिए फील करने लगा था, और जब ये बात मैथ्यू की बहन को पता चलती है तब वो मैथ्यू के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। पर इस बार मैथ्यू खुद को रोक नहीं पाता है और अपनी बहन से कहता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसमें एली का कुछ लेना देना नहीं था, शायद आपके हस्बैंड को आपसे ज्यादा मजा एली की लाइव स्ट्रीम देखने में आता था। क्या आपने कभी अपने हस्बैंड से इसके रिगार्डिंग बात करने की कोई कोशिश की, अगर करती तो आज आपके हस्बैंड आपसे दूर नहीं बल्कि आपके साथ होते। मैथ्यू एली से मिलने वापस पीटर के घर जाता है, पर कोई भी उसे एली से मिलने नहीं देता है।
इधर एली ठीक 2 साल बाद अपनी केमगल वाली आईडी को फिर से एक्टिवेट करती है। अकाउंट ओपन करते ही उसे मैथ्यू के कई सारे एपोलॉजी से भरे हुए मैसेजेस मिलते हैं, जिसे पढ़कर उसे रोना आ जाता है। आखिरकार एली मैथ्यू को दिल से जो चाहती थी। अगले दिन एली मैथ्यू से मिलने उसके नए घर पहुंचती है, जिसे मैथ्यू ने एली के लिए ही बनाया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर दोबारा पहले की तरह रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों उस नए घर के हर एक कमरे में जाकर घबाघब करते हैं। इसी के साथ इस फिल्म का द एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर 500 लाइक पूरा होने के बाद मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।